अपने आप को वो नेगेटिविटी से कैसे बचाए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है, चेंज योर इंटरनल डायलॉग्स। आप अपने आप को जो बाहर के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो बाहर की आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी के जो तलवार चलाई जा रही है, उससे आप अपने भीतर जो है उसमें क्या कर रहे हैं, अपने भीतर क्या वो तलवारों का शिकार बन रहे हैं या उसको आप रोक रहे हैं। रोकोगे कैसे, अच्छे अच्छे उस समय के अफर्मेशंस को लेके। अफर्मेशंस में बहुत पावर है। अफर्मेशंस मतलब दृढ़ संकल्प। हम योग में भी मेडिटेशन में भी संकल्प ही लेते हैं, तो हमें उस समय संकल्प लेने हैं, उस समय अपनी शक्तियों को देखना है, आसपास नहीं देखना है। बापूजी ने जो कहा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इस स्वरूप को धारण करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमने इसको धारण कर लिया तो हमने दुनिया जीत ली, अपने स्वयं को जीत लिया, सिचुएशंस को जीत ली। कोई भी शक्ति दुनिया की आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपको किसी बात का असर ही नहीं होगा। चिकने घड़े के ऊपर कभी पानी डाल के देखे, कोई असर होता हो तो बह जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हमें ये, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, कि हम जो देख रहे हैं, हमें वो नहीं सोचना, हमें जो करना है हमें वो तय करना है, मतलब वो सोचना है जो हमें करना है। जो दिख रहा है वो नहीं हमें सोचना। दिख तो हमें बहुत सारी चीज़ें रही है, नेगेटिविटी ही चीज़ें दिख रही है और वही हम फिर सोचते हैं। हमें वही तय करना है जो हम चाहते हैं, हमें उसके बारे में ही लगातार सोचना है, ठीक है। तो अपने आप को ट्रेन करिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और ये मेडिटेशन के द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान जब आपके अंदर आता है तो बापूजी हमेशा ज्ञान स्वरूप की बात करते हैं। जब तक ज्ञान स्वरूप नहीं बनेगा, आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा।